उत्तर ईवीएम पर बात हो रही है आज यूपी में आगे उत्तर में हारे तो ईवीएम पर क्लेश और जीते तो जनादेश। तमाम मेहमान एक बार फिर से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से, नाहिद लारी खान हमारे साथ प्रवक्ता सपा, बिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विषय। संदीप साहब एक बड़ा सवाल है, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बैलेट पेपर से करा लिया जाए चुनाव, अब इनकी मांग है, ये कह रही है कि देखिए 90% जनता चाहती है कि ऐसा हो, ये वाजिब है, हो सकता है क्या संभव? नहीं, ये पहले मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर अगर ये तैयार हैं तो ये जिन राज्यों में जीतते हैं वहां पे ये प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं। कोई भी पार्टियों में, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां ये हारते हैं बैलेट से भी करा लें, वहां पे भी स्थिति पता चल जाएगी कि देश की स्थिति क्या है, देश की जनता चाहती क्या है, इनको अगर लगता है। लेकिन ये कौन करेगा? ये करेगा चुनाव आयोग। अगर ये इनको लगता है कि ये बीजेपी करेगी तो बीजेपी चुनाव आयोग तो है नहीं जयप्रकाश जी। चुनाव आयोग चुनाव कौन कराता है पूरे देश में? चुनाव आयोग कराता है। और आपको लगता है कि चुनाव आयोग भी नहीं करा पा रहा है, तो आपके लिए बहुत सारी कोर्ट है जहां पे आप इसके खिलाफ जा सकते हैं, आप जाके इसके अगेंस्ट में पिटीशन दायर कीजिए। तो चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा, चुनाव आयोग संज्ञान में लेके निर्देश देगा चुनाव आयोग को। तो लेकिन जिन जगहों पे आप जीतते चले जाते हैं, जिन जगहों पे आपकी पार्टी विन करती है, वहां पे ये प्रश्न नगण्य हो जाते हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये क्वेश्चन उठाया। वो 17, 19, 22 जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब में उनको यही लग रहा है कि नहीं ईवीएम की वजह से वो चुनाव, या कोई भी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? आखिर उन राज्यों में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता जिन राज्यों में बीजेपी के अलावा लोग जीतते चले जाते हैं? तो इन राज्यों में देखिए प्रश्न जनता देखिए समझ चुकी है, जनता ये जानती है कि उनका काम। लेकिन मेरा जो विश्लेषण था, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मतलब अपने कैडर वोट को नहीं छिटकने देने का अच्छी बात है। मान लीजिए कोई कट्टर बीजेपी वाला या कोई कट्टर सपा वाला है, कोई कट्टर कांग्रेसी है, अगर नेता उनके कहते हैं भाई ईवीएम में धोखा हो गया, तो वो कम से कम उससे जुड़ा तो रहेगा ना। फिर अगर कोई नेता या कोई पार्टी के नेता कहते कि ये भाई बीजेपी वाले धोखा करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, चुनाव आयोग तो लगातार कह रहा है इस बात को। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने कैडर की बात कही जयप्रकाश जी, आखिर क्या बीजेपी का कैडर काम नहीं कर रहा है? अगर वो काम नहीं करता तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो कैसे बन जाती? भारत में लगातार चुनाव पे चुनाव जीतते कैसे वो चले जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना, कि अगर उनका मैकेनिज्म अगर ये सारी पार्टियां समझ जाती तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कभी हारेगी नहीं या कभी उसको पराजय नहीं मिलेगी या पराजय मिली नहीं है। जिन राज्यों में उनको हार मिली है उन राज्यों में भी तो ये प्रश्न उठा होगा कि क्यों वो हार गए, तो उस पर वो चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद उस पर जाके काम करते हैं। ये नहीं कि आप हारे नहीं कि आपने चिल्लाना शुरू कर दिया ये दोषी वो दोषी, मतलब जनता उसके लिए सबसे जो आप क्या जनादेश का अपमान करते हैं? जो जनादेश मिला है इस देश को उस जनादेश का, उन राज्यों के जनादेश का आप अपमान करते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप घेरिए। अभी मैं एक आंकड़ा भी पढ़ रहा था, एक आंकड़ा भी पढ़ रहा था कि 140 के आसपास जब से ईवीएम हमारे देश में आई है, 140 आ रहा हूं नाहिद जी आपके पास ही आऊंगा, 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 33 बार कांग्रेस जीती और 24 कुछ 29 का आंकड़ा है ये बीजेपी जीती, बाकी और पार्टियां जीती हैं। ये दब से इस देश में 140 बार विधानसभा का आंकड़ा है। हाँ, ये एक आंकड़ा है। नाहिद लारी जी, मैं पहले एक मेरी सलाह, अब आप बताइए। ठीक है जी, आ रहा हूं मैं, आऊंगा नाहिद जी। एक मेरा थोड़ा सा सवाल ले लीजिए, फिर आपको ही मौका दूंगा बोलने का। मेरी एक सलाह है, हालांकि थोड़ी देर के लिए सलाहकार बना लीजिए आप मुझे, बाद में आप मुझे कुछ भी कह दें। आप कल ही ना अखिलेश यादव जी से कहिए कि अखिलेश जी आप एक चिट्ठी लिखिए कि 2024 का चुनाव है वो अब बैलेट पेपर से हो, खबर भी बन जाएगी, हेडलाइंस भी रहेगी और चर्चा भी होगी देश में। क्या करवा पाएंगे आप? शर्मा जी देखिए अभी मैं आपके जो तथा कथित राजनीतिक सलाह तो ले लो मेरी छोटी सी जो दी इतनी अच्छी वाली। अरे आप मुझे बोलने तो देंगे कि बस एक ही सेकंड में इंटरप्शन शुरू हो जाता है? मैं सलाह कह रहा था, उस सलाह पर रिएक्शन ही नहीं दिया मैंने, इतनी अच्छी सलाह दी आपने। अरे मैं अभी दे रही हूँ ना, थोड़ा आप इंतजार। पहले मेरे लिए तो कुछ कह देती ना, फिर चली जाती उधर। अब मैं चुप हो जाती हूँ, फिर पहले आप सारी सलाह मशवरा सारा सब कुछ दे दीजिए। ठीक है नाहिद जी, बोलिए बोलिए। कुछ सलाह बीजेपी को भी दे दिया करिए, उनके लिए तो कोई सलाह ही नहीं आपके पास। अभी लेंगे उनसे सलाह। बहरहाल ठीक, नहीं नहीं अब बहरहाल मैं अपनी बात कर लूं। अभी जो आपके तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक बैठे चटूल खाने की बातें उड़ा रहे थे कि जीत जाते हैं तो नहीं याद आता, एक बयान आप किसी भी नेता का दिखा दीजिए, अखिलेश यादव जी सहित संपूर्ण विपक्ष के किसी भी नेता का दिखा दीजिए जहां वो नेता कहे
मौका दिए चले जा रहे। सारे नेता अखिलेश जी सहित सारे नेता मुसलसल कहते रहे कि हम जीत रहे हैं तो भी हम यही कह रहे, और हम हारे तो हम जीते तो हमारा एक ही स्टैंड है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो करेंगे वो एक पैनल करेगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑपोजिशन होंगे, लीडर ऑपोजिशन नहीं होंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर होंगे वो होंगे और सीजीआई खुद होंगे। क्यों बनाई थी कमिटी? ताकि जो निष्पक्ष चुनाव हो और जो इलेक्शन कमीशन हो वो सत्ता पक्ष का टूल एज अ टूल ना काम करे और निष्पक्ष चुनाव हो, चाहे जिसकी भी सत्ता हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो, निष्पक्ष चुनाव आयोग काम करे, इसलिए ये कमिटी बनाई थी। अब बीजेपी सवाल का जवाब दे कि आखिर बीजेपी ने ये कमिटी क्यों भंग की, किस मकसद से कमेटी भंग की? इसीलिए भंग की ना कि निष्पक्ष चुनाव ना हो, इसीलिए भंग की ना कि देश में जवाब ले अविश्वास पैदा हो डेमोक्रेसी को। ठीक है नायक जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ नायक जी, अब मैं हरीश जी से जवाब ले लेता हूँ, लेकिन नायक लहरी खान उनको सलाह भी दीजिए। हाँ सलाह देंगे, पहले ये बताइए नायक लहरी खान, आप ये बताइए, आपने कहा कि जो आपके साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, क्या हवा में कर रहे बातें। जब मैनपुरी जीते, अभी हाल ही में घोसी जीते, उसके बाद खतौली भी आप लोग जीते, कभी भी आपने एक बार कहा कि देखिए हम मैनपुरी जीत गए? एक भी बयान दिखा दीजिए अखिलेश यादव का कि हम मैनपुरी जीत गए लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हो। जयप्रकाश जी, नहीं नहीं, मैं मैनपुरी के चुनाव जीतने की बात कह रहा हूँ। मैनपुरी जीतने के बाद आपने कहा कि देखिए अखिलेश यादव का वो बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो मैनपुरी जीत गए, बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, ये विधानसभा में ना भेजते अपने सदस्य को। हाँ आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मान्य, अरे मैं आज पे ऐसे के नायक नायक बारी ये नहीं बोलेंगी, संदीप जी बोले नहीं बोलेंगी। मैनपुरी जीते चाहे घोसी, जयप्रकाश जी, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे नाहिद लारी खान नहीं बोलेंगी कि जब ये जीतते हैं तब इनका प्रश्न नहीं उठता, जहाँ ये हारते हैं वहीं पे ये भाजपा को घेरते हैं, तो मैकेनिज्म जो है भाजपा का इतना आसान नहीं जिसको ये तोड़ पाए, उसके मैकेनिज्म को इनको समझना होगा। एक जब ये साथ दे पाएंगे आप लोग जुड़े हुए, एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे तब वो जीतते हैं। मैनपुरी घोसी, अभी घोसी जीते, अखिलेश यादव का बयान आया हो तो बता दीजिए जिसमें अखिलेश यादव ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद हम जीत गए घोसी लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। हाँ नहीं, विधानसभा में नहीं भेजेंगे अपने सदस्य को। हरी साहब जो नायक लाली साहब, नायक जी जो सवाल करी उसका जवाब दीजिए। ठीक है जवाब ले लें, अब शांत पक्ष ले रहे बीजेपी आज तक उनके बड़े नेता ने आपको, अरे जवाब दीजिए आपके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके हरी जी, उनसे सवाल पूछ सके, सलाह तो देना। अरे मैम पूछ रहा हूँ, अब आप चुप ही नहीं हो पा रही है मैम, अब चुप तो हो जाइए आप, हरी जी जवाब देंगे। शर्मा जी जिनका आप पक्ष ले रहे हैं बार बार और कि आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आपको इस लायक, अरे हरीश जी आप जवाब दीजिए, अरे छोड़ दीजिए आप, मेरी चिंता मत करिए, हरीश जी जवाब दीजिए, आप जवाब ही नहीं देने देंगे। वो समझ में भी आ रही बात की भाई, नौकरी लाली खान जी ने सबका दिमाग आउटसोर्स कर लिया है, सबका दिमाग उन्होंने आउटसोर्स कर लिया है, इसलिए चुप नहीं हो सकती, उनकी मजबूरी है। दूसरी बात कि कुछ पार्टियों को इसमें महारत हासिल थी कि बूथ लूटने की और बैलेट टूटने की, ये वही लोग है इतना परेशान है जब हारते हैं, तो इसका जवाब इनके पास नहीं है कि जब 12 में इनकी सरकार बनी थी तो क्या जीतने के बाद अखिलेश जी ने ये बात कही थी कि हम जीत गए लेकिन ये ईवीएम ने फेयर चुनाव नहीं किया? नायक जी आपका ऑडियो नहीं जा पा रहा है क्योंकि आप लोग स्काइप पे है ना, ऑडियो नहीं जा पाता है, आप पसीना पोंछ लीजिए, आप थक गए हैं अभी, उनको मौका दीजिए ना, हरीश जी बहुत देर से शांत है। कांग्रेस के सरकार बन गई तेलंगाना में, उनके मुख्यमंत्री ने वोट भी ले लिया, क्या कांग्रेस के लीडर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या श्रीमान राहुल गांधी या सोनिया गांधी या वहां के मुख्यमंत्री? नायक जी पसीना दिखा रहे हैं, नायक जी पसीना है क्या? किसी को बयान आया हो कि मर्यादा में बोलिए, मर्यादा में अपनी बाड़ी को रखिए। सही बोल रही हूँ? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मर्यादा में बात करिए, आपके पास चाहे जितना दिमाग हो लेकिन मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में रह के बात करिए। केवल मैंने
ऐसी है कि जनता जनार्दन उसको खारिज कर रही है, और अभी 2024 में आप जहां खड़े हो वहां से भी आप किनारे होने वाले हैं। ये आपको बहुत दम लगता है ना कि उत्तर प्रदेश में 22 में इसी तरह आपने दो तीन फेज के बाद ही सरकार बना ली थी, इसीलिए जनता ने आपको खारिज कर दी। तो ये जो दम है ना, ये दम जनता बहुत जल्दी तोड़ देती है, किसी का भी हो, किसी का दम जनता जनार्दन रखती नहीं, दम को बहुत जल्दी चकनाचूर कर देती है। जो लोग अपने को इस लोकतंत्र में एकाधिकार समझने लगे कि उन्हीं वही सरकार चला सकते हैं, वही सरकार बनाएंगे, उन्हीं का हक है, उनके दम को जनता जनार्दन चकनाचूर करके उनको किनारे कर देती है। चलिए